भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के समीप रहने वाले आकाश कुमार को यूनियन बैंक में 2 लाख रुपए चेक जमा करने पर नहीं देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के रहने वाले आकाश कुमार ने थाने में लिखित आवेदन देकर मीडिया को बताया कि 17 अगस्त 2022 को सुबह 11 बजे यूनियन बैंक सुल्तानगंज पहुंचकर 2 लाख रुपए का चेक जिसका डिटेल नाम प्रमीला देवी, अकाउंट नंबर, चेक नंबर लिखने के बावजूद जो आकाश कुमार के नाम से काटा गया था, ये चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया और रिसीविंग बैंक द्वारा दिया गया। अगले दिन प्रमीला देवी के अकाउंट से दिनांक 18 अगस्त 2022 को 2 लाख निर्गत हो गया, लेकिन आकाश कुमार के अकाउंट नंबर पर यह जमा करने के लिए था लेकिन जमा नहीं हुआ और प्रमीला देवी के अकाउंट से पैसा कट गया। फिर मैंने इसकी सूचना यूनियन बैंक को दिया। उसके बाद यूनियन बैंक ने सीसीटीवी में जांच की और पाया कि बैंक के काउंटर से एक लड़का चेक चुरा रहा था। फिर मैंने बैंक मैनेजर को इस घटना का कंप्लेन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैंक की गलती और आपका पैसा आपको मिल जाएगा और पैसा नहीं मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात कही गई लेकिन 2 दिन से अधिक हो गए हैं लेकिन यूनियन बैंक द्वारा अब तक चेक का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमारे लाखों रुपयों का नुकसान होने की बात कही गई है। इस पूरे घटना को लेकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज। यूनियन बैंक आए हुए हैं। मेरा चेक मैंने जमा किया था भंजने के लिए, SBI का चेक था, मेरे नाम पे था, मेरा यूनियन बैंक में खाता है, मैंने चेक जमा कर किया था भंजने के लिए, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसा कट गया और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। मतलब जिस जो SBI का चेक था जिस अकाउंट का, वो अकाउंट से पैसा 2 लाख रुपया कट गया है और मेरे यूनियन बैंक जिसका जिसमें जमा किए थे उसमें पैसा नहीं आया है। 2 लाख रुपये का चेक था सर। हाँ तो ये 17 तारीख को मैंने जमा किया, 18 को हमको पता चला कि ये मिसिंग है। 18 को 2 बजे तक हमको यहीं पर उलझा के रखा गया कि भाई पैसा आपको मिलेगा, मतलब ये क्या कहते हैं, चेक यहीं कहीं होगा, जाएगा कहाँ, CCTV दिखाया गया। लेकिन जब मैंने अप टू डेट करने के लिए भेजा कि भाई पैसा देखा, चेक का क्या स्थिति है, लेकिन पता चला क्या कि जो है वो पैसा चेक से निकल चुका है। फिर मैंने तुरंत ही यहाँ पर कंप्लेन किया, कंप्लेन का कॉपी भी हमारे पास है, वो ये चेक मैंने जमा किया है, इसका रिसीविंग है, कंप्लेन का कॉपी है और ये थाना में मैंने आवेदन भी दिया है कि मेरा 2 लाख रुपया निकल गया है। और थाना ये बैंक वाला बोल रहा है कि आपका कार्रवाई होगा, मैं जांच कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 दिन हो गया है, 3 दिन में मेरा कोई मतलब कार्रवाई ही चल रहा है अभी तक, अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बैंक मैनेजर का क्या नाम है? बैंक मैनेजर का नाम है राजीव कुमार। क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चोरी हुआ है, आपकी भी गलती क्या है। चोरी हुआ? चेक आपका चेक? हाँ, 2 लाख रुपया का। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि चोरी हो गया है। कहाँ से चोरी हो गया? बैंक से। तो क्या कर रहे हैं? चोरी हो गया है, अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन भंजाया क्या कर रहा है, वो इंक्वायरी में बिजी है। तो हमको पैसा नहीं दिया है? नहीं, पैसा नहीं दिया है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? हम 17 तारीख को मैंने चेक जमा किया, 18 से हम परेशान हैं। 18 तारीख से जो है मेरा जो है नींद हमको नहीं आ रहा है, परेशानी में है। कितने 2 लाख रुपया का अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत जरूरी काम है। पैसे का इतना जरूरी है कि मैं किसी को देने का एग्रीमेंट करा चुका हूं, अब उस एग्रीमेंट में अगर हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो मेरा फेल हो जाएगा। कितने का क्षति होगा? 2 लाख रुपया का। 2 लाख रुपये का तो है और नुकसान? हाँ। कितने का होगा? नुकसान 3 लाख रुपया का। 3 लाख का नुकसान होगा? हाँ। अगर समय 3 लाख में जमा दे चुके हैं हम उसको, समय पर पैसा अगर बैंक नहीं देगा आपको तो कितने का नुकसान होगा? 3 लाख रुपया का नुकसान होगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। क्या नाम से चेक दिए थे? आकाश कुमार के नाम से। हम अपने अकाउंट में जमा करने के लिए दिए थे, आकाश कुमार। चेक निर्गत किसने किया था आपको? क्या बोले सर? चेक निर्गत किसने किया था आपको? चेक निर्गत मेरी सासू माँ प्रमीला देवी, उन्होंने हमको काट के दिया था कि आप जो है भंजा लीजिए दमाजी, उसको पैसा देना है। आपने जमा किया? हाँ, मैंने चेक को जमा किया। लेकिन बैंक से चोरी हो गई। अब ये बैंक बोल रहा है चोरी हो गया ना, क्या हो गया ये मैं कैसे बता सकता हूँ। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है।
हमारा पता है अनुष्का आईटीआई NH 31 सुशील नगर बेगूसराय।